पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ पे आए तो किन चीज़ों पे आपको थोड़ा कल्चरल शॉक टाइप्स लग सकता है? ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, भाड़ में जा तू, तेरा किस्सा ख़त्म, ऐसे टाइप्स वाली ये आवाम है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ाइज़ा, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। टुडे संडे और आज मैंने सोचा था कि आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे उठना चाहिए था सिकर दोपहर में, लेकिन अभी हो रही है शाम, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आपको दिखा देंगे। आज का सीन ये है कि आज मैं सुबह उठी और मेरा मूड बहुत ही अच्छा किस्म का था। मैंने नाश्ता वाश्ता किया और फिर मैंने सोचा कि आज ऐसा कैसे हो सकता है कि आज मुझे डिप्रेशन नहीं हो रहा। फिर मैंने कोई मसला को परेशानी सोचना शुरू कर दी ताकि मैं जरा नॉर्मल पेस में चलूँ, अलग किस्म की जिंदगी ना गुजर। Women. आंखों में मैंने पहने हुए लेंस, क्योंकि उसके बगैर मेरी आंखें होती हैं जागने वालों की तरह, सोने वालों की जैसी। नहीं नहीं गलत गलत बोल दिया, एक शेर सुन लो। एक देखा है उसकी आंखों को गौर से फराज, कभी देखा है उसकी आंखों को गौर से फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों की जैसी। इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कोरियंस लोगों में और पाकिस्तानी लोगों में सिमिलर हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ पे आए तो किन चीज़ों पे आपको थोड़ा कल्चरल शॉक टाइप्स लग सकता है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज। कोई सिमिलैरिटी नहीं है सिवाय एक चीज़ के, वो ये कि दो गोरी चमड़ी के पीछे पागल। मतलब और कुछ हो ना हो, आपकी अगर ये खलड़ी गोरी है ना तो ये आपको चुप के रखते हैं, चुप के। उसी तरह जैसे पाकिस्तान में नहीं होता कि बाजी मड़े पुत्र जो सेटल हो ही गया, चंगी पली नौकरी, इस कोई चिट्टी जी बग्गी जी कुड़ी तकाई सटो मिगी, ब्याह कराई छना, फिर मैं ते इसने अबू अगले जानी तैयारी कर सकता। अब सीरियस नहीं रहना, एग्जांपल दी थी। तो इसी तरह जो अमेरिकन और रशियंस हैं उनको ये बड़ा इधर रखते हैं, और जो एशियंस हम हैं पाकिस्तानी, इंडिया और बांग्लादेशी, तो उनको थोड़ा सा मतलब ठीक है, समझ गए। प्यारी समझ गई। आर कोरियन रेसिस्ट? इट डज एग्जिस्ट टू सम एक्सटेंट। इधर से ही बात निकलती है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, तो कोरियंस हैव वेरी वेरी वियर्ड किस्म के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। कोरिया में जो है क्रेजी किस्म का ट्रेंड है कॉस्मेटिक सर्जरी का। इनका अपना ही एक बेंचमार्क है, ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि वी शेप फेस होगा, पतली सी नाक होगी और आंखें जो है थोड़ी बाहर की तरफ निकली होंगी, तो उसके लिए प्रॉपर आईलिड सर्जरी होती है, और जो रंग गोरा करने के लिए स्नो वाइट किस्म के कुछ इंजेक्शन होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपकी स्किन पील करते हैं। बहुत कुछ, मतलब बहुत क्रेजी किस्म का है। कोरियन ड्रामास में ये लड़के और लड़कियां खूबसूरत किस्म के दिखाए हुए होते हैं, क्या रियलिटी में भी ये ऐसे ही होते हैं? तो नहीं नहीं नहीं, मान जाओ बहनों और भाइयों, ऐसा कोई सीन नहीं होता। मतलब आस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉपर सर्जरी हुई भी होती है, और एडिटिंग शेडिटिंग ये वो दैट से सारा कुछ करके। मैंने कोई ऐसा लड़का नहीं देखा जैसे कि ड्रामास में दिखाए जाते हैं, पिलपिले किस्म के लड़के होते हैं इनके, मतलब लड़कियों जैसे लड़के होते हैं ये। अब आ जाते हैं डिफरेंसेस पे, तो मेन डिफरेंस जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं वही बता देती हूँ आपको। पहली चीज़ क्या डिफरेंट है यहाँ की और पाकिस्तान की, कोरियन जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड किस्म के लोग हैं, ठंडे ठंडे ठार किस्म के लोग हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में अगर आप कहीं गिर गए हैं या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है तो एक प्रॉपर सेटअप का पूरा मेला लग जाता है आसपास, इधर वो वाला कल्चर नहीं है। मतलब आप गिर पड़ मर जाए इन्हों नहीं परवाह, ये कोलू लंग जाएंगे। मुझे याद है एक दफ़ा मैं स्नो फॉल और मैं गिर गई थी नीचे, वो जोर का तो एक कोरियन बच्ची थी मेरे पास से गुजर गई, मेरा हाल तक ना पूछा, मतलब ठंडी ठार देख के यूं गुजर गई, मतलब कोई परवाह ही नहीं, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, भाड़ में जा तू, तेरा किस्सा ख़त्म, ऐसे टाइप्स वाली ये आवाम है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक और बात यह है कि ये अपने काम से काम रखने वाली आवाम है। आप मतलब आप गुजर रहे हैं, दे डोंट मेक आई कॉन्टैक्ट। आप कभी कोशिश भी कर लेना ऐसे यूं करके देखने की, वो फिर भी आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, चुप करके जाते हैं, चुप करके आते हैं, नीचे देख के चलते हैं, चुप चुप सीधी लाइन में। मतलब शुरू शुरू में जब आते हैं आपको अजीब लगता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप बाहर निकलते हैं तो ऐसे ऐसे करके देख रहे होते। खैर एक ये चीज़ हो गई। इसके बाद दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी, जो कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर खासतौर पे बीइंग अ गर्ल आप सिक्योर फील करें तो उससे अच्छी कोई जगह ही नहीं हो सकती। तो कोरिया इतना कोई सिक्योर है, इतना कोई सिक्योर है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो पाकिस्तान में रात को क्या, इवन दिन को भी बाहर निकलते हुए आप सिक्योर फील नहीं करते। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी नॉट कि आप यू योर सेल्फ फील सिक्योर, इसके अलावा सिक्योरिटी इज़ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ यहाँ पे।
इंस्टेंस अगर मैं किसी कैफे में गई हूँ, मैं अपना फोन भूल आई हूँ और किसी कन्वीनियंस स्टोर पे मैं अपना एटीएम कार्ड भूल आई हूँ और मैं अगर अगले दिन जाऊंगी लेने के लिए और देयर इज 99% श्योरिटी कि वो चीज आपको वहीं से मिल जाएगी. सो आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस. एक दफ़ा मैं अपना मोबाइल जो है यूनिवर्सिटी की बस में भूल आई थी और नेक्स्ट डे मैंने वो जाकर लिया था और मुझे वो वहीं से मिल गया था. सिमिलरली बहुत दफ़ा मैं अपना एटीएम कार्ड जो है वो भूल जाती हूँ कन्वीनियंस स्टोर पे और वो भी मिल जाता है आपको. सिक्योरिटी यहाँ पे है, इट्स पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. और चीज़ ये कोरिया की कि ये अपना उगाते हैं अपना खाते हैं, मतलब कि इनकी मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ करते हुए. इनकी अपनी ऐप है काकाओ टॉक, वो यूज़ करते हैं अपने. इनकी गूगल मैप भी नहीं चलता यहाँ पे, काकाओ मैप है वो चलता है. क्रीम श्रीम वो वाला सीन भी नहीं है. इनकी अपनी है काकाओ टैक्सी, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें. तो ये अपना उगाते हैं और अपना खाते हैं, लेकिन साड़ी मुर्गी हमेशा दूजे कार जाके अंडे देती. क्या बोला तूने? और चीज़ बहुत ज़्यादा साफ जगह है, इतनी ज़्यादा सफाई है यहाँ पे. ये जो है ये अपना जहाँ पर जाते हैं अगर इनका कोई कचरा शचरा है ये अपने साथ बैग में रखते हैं और उसको प्रॉपर जब तक कोई ऐसी जगह ट्रैश बिन नहीं आता तब तक उसको फेंकते नहीं है. यहाँ पे अपना प्रॉपर एक सिस्टम है, कूड़ा फेंकने का भी एक सिस्टम है. ब्लैक कलर का शॉपर, वाइट कलर का शॉपर, इसमें ये आइटम दूसरे उसमें आइटम, इस तरह से करके फिर आप उसको जो है डिस्पोज ऑफ करके आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फूड. तो फूड का ये है कि आप किसी आराम से किसी भी रेस्टोरेंट में जाके इजीली नहीं खा सकते जैसे पाकिस्तान में होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो ज़्यादा डिशेस होती हैं उसमें मीट होता है, पोर्क होता है. एंड इफ यू आर मुस्लिम तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी दुश्वारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आपको खुद ही पकाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है. तो जो अम्मी अबू देख रहे हैं जिनकी बच्चे की औलाद को मेरी तरह बहुत ही भूड़ किस्म की है तो आप इधर भेजें, सुगड़ भी हो जाएगी, तलीम अलग, सुगड़पन अलग, प्रॉपर पैकेज तैयार हो जाएगा खाने के बाद. और पाकिस्तान में क्या होता है, आप किसी मेडिकल स्टोर में चले जाओ तो वो खुद ही जो वो MBBS करके अपना ही बैठा होता है, उसको बताओ मेरा गला ख़राब है, ये ख़राब है, वो आपको दवाई बना के देता है. यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको किसी भी किस्म की कोई दवाई नहीं मिलती सिवाय एक गोली के जो पैनाडोल किस्म की होती है वो वाली गोली मिल जाती है. इसके अलावा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको यहाँ पर कोई गोली नहीं मिलेगी. तो अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं तो जो आपकी बेसिक दवाइयाँ शवाइयाँ होती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, शलू, ठंड लगी, हमें आदत है ना बंटियों की तरह गोलियाँ खाने की, तो वो साथ ले कर आएँ. और कभी सैटरडे संडे को बाहर निकल जाए तो जगह जगह बेवड़े तोबा, अल्लाह माफी, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ है. पाकिस्तान में ऐसा थोड़ी ना होता है. और बड़े कोई शौकीन है पेट रखने के. यहाँ पे कपल्स जो हैं दे प्रेफर टू अडोप्ट अ डॉग और उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं. उन्होंने बहुत ही सीरियस लिया हुआ इस कॉन्सेप्ट को. गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद, तो उतने बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की तरह कुत्तों को पालते हैं और प्रॉपर उनके कॉस्ट्यूम शॉस्ट्यूम ये वो मज़े किस्म का होता है. वैसे इनके कुत्ते बड़े प्यारे लगते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फैशन. तो जो थोड़ी फुलझड़ियाँ की कोरिया में जो लड़कियाँ थोड़ी फैशनेबल है तो उनके थ्रू जो आपको इनकी फैशन सेंस थोड़ी पता चलती है कि ये ऐसे बहुत ही भड़कीले किस्म के नहीं. मतलब जैसे पाकिस्तान में जो ड्रेसेस हैं हमारे मज़े मज़े के होते हैं ना, लाइक ही ऐसे सात रंग के जोड़े होते हैं, यहाँ पे इतना उस तरह से कोई सीन शीन नहीं होता. या इनके जो इनका जो ट्रेंड होता है ये बड़े नफीस किस्म के, जैसे हमारे यहाँ बुज़ुर्गों को कलर लेके देते हैं ना, या यहाँ की लड़कियाँ दे प्रेफर टू वियर उस तरह के कलर्स और एक बड़ी मज़े की क्लासी किस्म की वैसे लुक होती है बच्चियाँ. एंड एक और चीज़ डिफरेंट क्या है, नो टिप कल्चर कोरिया में है. नो टिप कल्चर, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको कोई टिप शिप देने की ज़रूरत नहीं, अगर आप टिप देते हैं तो वो माइंड शेड कर जाते हैं. तो नो टिप कल्चर है यहाँ पे. सिमिलर टू चाइना, यहाँ पे भी एक अरसे तक बड़ा ये ट्रेंड रहा है कि स्कूल्स में इनको इंग्लिश कोई नहीं थे सिखाते. अब मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम पहले से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि इंग्लिश सिखाना हैज़ बिकम पार्ट ऑफ देयर स्कूल के सिलेबस. अब इनको इंग्लिश सिखाते हैं तो अब वाली आने वाली नस्लें जो है इनकी उनको इंग्लिश आती है, लेकिन उससे पहले ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था. मूड खराब कर दिया. तो भी जो है मेरी जो नासें हैं बहुत ज्यादा सू सू कर रही हैं. तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं पे खत्म करते हैं. और एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. और एक और बात ये कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल एंड बड़ा चैनल सब्सक्राइब करी छोड़ो राजू जी. आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है. लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन. और मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आस पास अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए. मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.